नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। अपने सीनियर ऑफिसर से टकराना एक आईपीएस ऑफिसर को महंगा पड़ गया। बताते चले आपको कि अनसुईया रणसिंह साहू का तबादला कर दिया गया है। कुछ दिन पहले 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश जो है वो वायरल हो रहा था, जिसमें DIG अनसुईया रणसिंह साहू ने शोभा अहोतकर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया और आईपीएस ऑफिसर का तबादला कर दिया। पूरी खबर क्या है बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। बिहार सरकार ने अनसुईया रणसिंह का तबादला करते हुए नागरिक सुरक्षा का उपनिदेशक बनाया है। गृह विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी की है। अनसुईया 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। होमगार्ड और फायर सर्विसेज के DIG अनसुईया रणसिंह साहू ने DG शोभा अहोतकर पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए 13 पन्नों का त्राहिमाम संदेश लिखा था। उन्होंने इस संदेश को बिहार के मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, DGP सहित बिहार के कई अधिकारियों को भेजा था। इसमें DG शोभा अहोतकर द्वारा जबरन अनियमितता कराने का आरोप था। इधर शोभा अहोतकर ने तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि चूंकि गृह विभाग अनसुईया रणसिंह के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, इसलिए अपने बचाव में वो यह सब बेतुकी बातें कह रही हैं। अनसुईया रणसिंह के पत्र के अनुसार मार्च 2023 में विभाग के लिए 138 वाहनों की खरीद के लिए 6.5 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आ रही थी। एक ही तरह के वाहनों को खरीदने के लिए 3 अलग अलग टेंडर किया गया। 6, 56 और 77 वाहनों की खरीद के लिए 3 बीड की गई। इनमें प्रत्येक वाहन के L1 के मूल्य में भारी अंतर था। इससे सरकार को 6.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। इस दौरान DG अवकाश पर थी। मैंने वित्त विभाग के अधिकारियों से बात करके 55 और 77 वाहनों की खरीद को रद्द करने की अनुशंसा की थी। इसी के साथ बता दें आपको कि DIG के पत्र के अनुसार टेंडर रद्द करने की अनुशंसा के बाद शोभा अहोतकर ने मुझे फ़ोन किया और बगैर इजाज़त के वित्त विभाग के अधिकारियों से बात करने पर नाराज़गी जताई। मैंने वाहनों की खरीद में अनियमितता की बात कही तो वो गुस्सा हो गए। 1.5 घंटे तक अपशब्द कहे, गालियां दी, करियर बर्बाद करने की धमकी दी। मैं बेहोश हो गई। मेरे पति और कर्मचारियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पत्र में कहा गया कि होमगार्ड की पोस्टिंग में भी भारी भ्रष्टाचार है। पटना जिले में होमगार्ड की पोस्टिंग के लिए सीनियर कमांडेंट ने 20 लाख की वसूली की है। जब होमगार्ड संगठन ने विरोध जताया तो उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया। यह जांच बिल्कुल गलत साबित हुआ। हर दिन सो कॉज प्रत्येक शब्द पर आपत्ति जताती हुई नजर आई। DIG के पत्र के मुताबिक मेडिकल लीव से वापस आने के बाद मुझे हर दिन प्रताड़ित किया जाने लगा। कमोवेश हर दिन DG और IG मुझसे स्पष्टीकरण की मांग करते थे। 6 महीने के दौरान मुझे 800 कॉज नोटिस जारी किया गया। जवाब के हर शब्द को गलत साबित करने की कोशिश की गई। बता दें आपको कि ये अनसुईया ने अपने पत्र में ये सारी बातें लिखी। जितने भी आरोप थे वो सब कुछ पत्र में लिखती हुई आई थी। और जो पत्र था, 13 पन्नों का जो त्राहिमाम संदेश था, वो खूब वायरल भी हुआ। इस वायरल के बाद से उनका तबादला कर दिया गया और फिर उन्हें कौन सी जगह दी गई, कौन सी पद दी गई, ये सारी जानकारी आपके साथ हमने साझा किया इस रिपोर्ट में। तो बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।